एक्सरसाइज 2.5। चलो आज लास्ट क्वेश्चन करेंगे, आज कंप्लीट हो जाएगा बेटे एक्सरसाइज 2.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम लोग 14 तक कर लिया है, आज क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे लेकर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। ओके, इसमें दिया हुआ गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन, ओके, फॉर द लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रेक्टेंगल्स, ओके, इन विच देर एरियाज आर गिवेन। यानी कि ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि कोई रेक्टेंगल है उसका एरिया गिवेन है। एरिया कितना है, दो क्वेश्चन, दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया दिया हुआ कितना, एरिया आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है कितना, 25a² माइनस 35a प्लस 12। ओके, और सेकेंड पार्ट में क्या है, आपको एरिया दिया हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल y है, कहता है बताओ इसमें लेंथ और ब्रिथ का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रिथ, यानी दो फैक्टर होनी चाहिए। देखिए एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ। अगर हम जो एरिया दिया हुआ अगर इस फॉर्म यानी फैक्टराइज करके फैक्टर के फॉर्म लाए, यहाँ दो फैक्टर होता है ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एक दो फैक्टर में एक लेंथ होगा दूसरा ब्रिथ होगा। तो इस तरह से जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ एरिया का पोलोनोमियल में दिया हुआ है, पोलोनोमियल है, तो पोलोनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज कर लेंगे, एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल को हम जब फैक्टराइज करते हैं तो मैक्सिमम टू फैक्टर आता है, तो दो में से दो फैक्टर में से एक लेंथ हो जाएगा दूसरा ब्रिथ हो जाएगा। ओके, तो हम पहले एट फर्स्ट क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। जब फैक्टराइजेशन हो जाएगा तो एक दो फैक्टर आएगा, दो फैक्टर में एक फैक्टर होगा लेंथ, दूसरा फैक्टर होगा ब्रिथ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने ये समझो कि आपको बड़ा फैक्टराइज करने का रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, आपको दिया हुआ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, एक मिनट बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिया हुआ 25a², यहाँ a वेरिएबल है, माइनस 35a प्लस 12 प्लस 12। ओके बेटे, अब देखो a वेरिएबल है, अब ये क्वाड्रेटिक है ना, डिग्री इसका कितना है, डिग्री ए वेरिएबल ए का लार्जेस्ट पावर कितना है, 2 है, तो सेकेंड डिग्री सेकेंड है, डिग्री सेकेंड के पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ओके, अब क्वाड्रेटिक को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लेते हैं। ओके बेटे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोसेस तो पता ही होगा। तो करो यहाँ इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म होता है। तो एक एक जगह पर यहाँ क्या है, एक जगह पर 25 है, बी की जगह पर माइनस 35, सी की जगह पर 12 है, यानी ए हो गया कितना, ए हो गया 25, बी हो गया बेटे माइनस 35 और सी हो गया 12। अब एट फर्स्ट क्या करते हैं, एट फर्स्ट जो क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 ए इंटू सी करो, यानी 25 इंटू 12, तो 25 और 12 को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 300। ओके, यानी 12 5 60 0 और 12 इंटू 2 24 प्लस 6 30 आ जाएगा, यानी 300 आ गया। अब आइए बेटा, माइनस 35 है, तो माइनस 35 को
जो मिडिल टर्म है उसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो बी इक्वल टू कितना है, -35। अब -35 को इस तरह से स्प्लिट करो दो पार्ट में कि दोनों का प्रोडक्ट कितना आनी चाहिए, 300 आनी चाहिए। ओके, तो -35 में हम क्या लिख सकते हैं, जो क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं -20, -15 लिख सकते हैं। -20 -15 कितना आएगा, -35। ओके, अब -20 और -15 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और 15 इंटू 20 आएगा कितना, 300 आ जाएगा, जो किसके इक्वल है बेटा, एसी के इक्वल है। किसके इक्वल है, एसी के इक्वल होगा, यानी ये दोनों सेम हो गए। यानी इसको हम बी जो मिडिल टर्म है इसको हम दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 300 है। 300 जो किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है, एसी की वैल्यू 300 है, 300 की इक्वल है। इसका मतलब है जो मिडिल टर्म को -35 को जो हम स्प्लिट किया दो दो पार्ट में, -20 और -15 एक सही है। इस तरह से अब मेन जो एक्सप्रेशन उसको लेके चलो। अब -35 के जगह पर क्या लिखेंगे, -20, यानी इसके जगह पर क्या लिखेंगे, जो -35 ए है तो क्या होगा, -20 ए, -15 ए, दोनों पे ए आएगा क्योंकि यहाँ ए है। तो स्टार्ट करते हैं हम मेन एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं। तो क्या है, नौ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना बेटे, 25 ए स्क्वायर माइनस कितना है, 35 ए, अभी बाद में लिखेंगे, पहले लिख लो। लास्ट में क्या है, लास्ट में 12 प्लस 12। ओके, अब इक्वल टू 25 ए स्क्वायर माइनस, अब 35 को हम ब्रेक किया -20 और -15 में, क्या लिखेंगे, -20 ए -15 ए +12। अब क्या कॉमन आएगा, देखो तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा बच्चे, यहाँ भी 5 कॉमन आएगा, और यहाँ ए भी कॉमन आएगा, और एक ए यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यानी 5 ए कॉमन ले लो, 5 ए कॉमन लो, 5 ए कॉमन ले लिया। ओके, यहाँ बचा कितना, यानी बचा 5 ए बच गया, और माइनस यहाँ 5 कॉमन ले लिया, 4 रह जाएगा, 20 के लिखेंगे 5 इंटू 4, 5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, 4, ए तो कॉमन ले चुके हैं। फिर अब देखो यहाँ क्या कॉमन आएगा, माइनस थ्री कॉमन लेंगे, देखो इसे लिखे 3 इंटू 5, यहाँ लिखे 3 इंटू 4, तो -3 कॉमन लेंगे, तो -3 जब कॉमन लेते हैं, प्लस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 ए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन ले, 3 इंटू 4, 3 कॉमन लिया, यहाँ 4 बचेगा। ओके, अब देखो बच्चे, अब 5 ए माइनस 4 कॉमन ले लो, तो कितना आ गया, 5 ए माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा कितना, 5 ए माइनस 3, आ गया दो फैक्टर आ गया। एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो गया, 5 ए माइनस 4 इंटू 5 ए माइनस 3। अब इसमें से एक को हम लेंथ लेंगे, दूसरा क्या ब्रेथ लेंगे, ये नहीं होता है। अब बट एरिया ऑफ, देखो यानी लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ। तो एक को लेंथ ले लो, दूसरे को ब्रेथ ले लो, देयरफॉर पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ हो जाएगा कितना, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा कितना, एल इक्वल टू एल है लेंथ बिफोर ब्रेथ, यानी पॉसिबल लेंथ हो गया 5 ए, दोनों में से किसी एक को लेंथ लेंगे दूसरा ब्रेथ हो जाएगा। अगर 5 ए माइनस 4 को लेंथ लेंगे तो 5 ए माइनस 3 को क्या लेंगे, ब्रेथ, या 5 ए माइनस 3 को अगर लेंथ लेंगे तो 5 ए माइनस 4 क्या होगा आपका, ब्रेथ हो जाएगा। तो हमने लेंथ ले लिया 5 ए माइनस 4, तो देन ब्रेथ कितना लेंगे, 5 ए माइनस 3, ये आंसर होगा। ओके, बस आपको क्या करनी, फैक्टराइज करनी है, दो फैक्टर आएगा उसमें से एक लेंथ होगा दूसरा ब्रेथ हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है इसका,
तो सेकंड पार्ट है कि 35y² + 13y - 12। यहाँ भी क्वाड्रेटिक में बस वही करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, दो फैक्टर आएगा, उसमें से एक फैक्टर होगा लेंथ, दूसरा फैक्टर ब्रिथ हो जाएगा। लेंथ स्टैंड फॉर लेंथ, एल स्टैंड फॉर लेंथ, बी स्टैंड फॉर ब्रिथ। सेकेंड पार्ट करो, सेकेंड पार्ट है कितना है 35y² यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, गिवेन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 35y² + 13y - 12। ये क्लियर, देख लेते हैं। यस, यही। अब यहाँ वही करेंगे बेटा, तो अब क्या करेंगे, यहाँ भी तो ए और सी को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या है, ये ए कितना है, ए आपका 35 है, बी कितना है 13 है, और सी कितना है -12 है। अब नाउ क्या करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, 35 × -12 मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36। 36 में 6 प्लस करो कितना आएगा, 42 क्या आ गया, 42 420 आ गया ए सी वैल्यू, -420। अब नाउ अब क्या करें, बी को लेकर चलेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म कितना है 13 है। अब 13 को दो भाग में इस तरह से स्प्लिट करो कि दोनों का प्रोडक्ट कितना आनी चाहिए, -420 आनी चाहिए, -420। तो क्या क्या लिख सकते हैं, ओके क्या क्या लिख सकते हैं, देखो या तो ऐसा करो 420 को फैक्टराइज कर दो, ऐसे नहीं समझ में आए तो 420 को फैक्टराइज कर दो, कितना आएगा देखो, 2 से कितना आ जाएगा 210, ओके। फिर 2 से करो कितना आएगा 105, फिर 2 से करो, 2 से नहीं होगा 5 से होगा, 10 होगा 5 से होगा, 5 से करो कितना आएगा 21, फिर 3 से करो 7, फिर 7 से करो 1। अब इसी को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करनी है, जिससे दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 420 आनी चाहिए, ठीक है बच्चे। ऐसा करते हैं, अगर इसको एक साथ कर लें तब क्या आएगा देखो, तो और इसको एक साथ कर लें तो 2 × 2 = 4, 420 आ गया, इससे 20 आएगा, इससे क्या आएगा 21, 20 और 21 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 420 तो आएगा, लेकिन इसका सम आपको 13 आनी चाहिए, अब प्रोडक्ट क्या नहीं चाहिए -420, ये नहीं आएगा, ये सही नहीं, ठीक है, ये नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे, टू टू फोर ट्वेंटी और ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा करते हैं 5 और 7 = 35 हो जाएगा, और 2 × 4 = 12, और 12 से डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 3, ये तो डिफरेंस कम आ रहा है। ऐसा करते हैं 15 × 2 = 30 आ जाएगा, और 14 मुझे चाहिए, बार बार चेक करना होगा बच्चे, चेक करो और चेक करो क्या कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लें देखो, 2 × 4 लेते हैं और 7 लेते हैं, तो 7 × 4 कितना है 28, ओके 28 आ गया,
अब फिर 5 × 3 करें 15, ओके। अब इसका माइनस करेंगे, देखो मुझे प्लस 13 चाहिए, अगर ये माइनस साइन दे दें तो 28 − 15 कितना आ गया, 13 आ जाएगा, ओके। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, −420 आ जाएगा, ओके, हो गया, पता चल गया, ओके। हमने क्या किया देखो बेटे, देखो इस तरह आपको चेक करना होगा किसमें फैक्टराइज हो रहा है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, इस 2 को और इस 7 के साथ कर दिया, तो 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28 आ गया, ओके, इस 28। अब 5 और 3 बचा, तो 5 और 3 क्या गया, 15 आ गया। अब हम चूँकि यहाँ प्लस, अब दोनों का सम आपको 13 चाहिए, हम क्या करेंगे, इन ये प्लस साइन लेंगे, ये माइनस साइन लेंगे, 28 में 15 − 13 आएगा। अब इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, दोनों का प्रोडक्ट आएगा ये, यही आएगा −420, ठीक है। इस तरह से हो गया फैक्टराइज, यानी 13 की जगह पर क्या लिखेंगे, 28 − 15 लिखेंगे, तो लिखो क्या लिखेंगे, 28 − 15, ओके। ऐसा क्यों किया, चूँकि इस दोनों का प्रोडक्ट 28 × −15 आएगा आपको कितना, −420 आएगा, जो AC के इक्वल है, इसके इक्वल है, AC के इक्वल है। इसका मतलब 13 को जो हम फैक्टराइज किया, स्प्लिट कर दो पार्ट में 13 को, 28 − 15 में ये सही है, ओके। अब स्टार्ट करते जो आपको दिया हुआ उसको लेके चलो। अब हम लोग मिडिल टर्म के 13y की जगह पर क्या लिखेंगे, 28y − 15y लिखेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जगह पर, तो पहले पूरा एक्सप्रेशन लिख दो, देखो क्या करेंगे, नाउ सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू है आपको 35y² + 13y − 12, ओके, 35y² + 28y − 15y, हमने इसके जब पे लिख दिया −12। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन, क्या क्या कॉमन आएगा देखो बेटा, यहाँ इसे लिखेंगे 7 × 5, इसे लिखेंगे 7 × 4, और y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y इसको एक y कॉमन हो जाएगा, तो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है एज ए फैक्टर, तो 7 कॉमन आ जाएगा और y भी कॉमन आएगा, तो क्या बचा यहाँ, यहाँ 5y और यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 + 4, चूँकि वाई तो कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कॉमन ले लो। अब यहाँ 5 × 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 × 3 लिखेंगे, 3 दोनों में 3 कॉमन ले लो, यहाँ 5 बचेगा 5y और यहाँ बचेगा 3 कॉमन, यहाँ 4 बच जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे देखो 5y + 4 दोनों जगह कॉमन ले लो, 5y + 4 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, 7y − 3 आ गया प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया बेटा। बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है कितना, लेंथ इनटू ब्रिथ होता है, एक को लेंथ ले लो दूसरे ब्रिथ ले लो, अगर हम इसको लेंथ लेंगे तो इसको ब्रिथ लेंगे, तो देयरफॉर पॉसिबल लेंथ कितना होगा, देयरफॉर लेंथ इक्वल टू आ गया लेंथ आ गया बेटा 5y + 4 एंड ब्रिथ आ गया कितना 7y − 3, ये आपका आंसर होगा, ओके। पॉसिबल लेंथ और ब्रिथ हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके।